स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ, पार्ट सेकंड, ज्योग्राफी। मैं पिछले वीडियो में आपको इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में बता रहा था। इसके अंदर के इंडिया का जो कांटेक्ट है वो संसार के साथ, ये कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, मतलब लगातार है ना, युगों के अंदर अपना स्थान रखता है। और इसकी जो रिलेशनशिप है, इसके जो संबंध है जमीन के जो रूट्स हैं, जो मार्ग हैं, और मच ओल्डर देन हर मैरिड टाइम कॉन्टैक्ट्स। और समय समय पर इसको है ना, इसके कॉन्टैक्ट को है ना, ये बहुत अधिक बढ़ाता है। वेरियस पासेज, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि है ना, माउंटेन्स, पर्वतों से ऊपर गुजरते हैं इन द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर। एंड प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रेवलर्स, और प्राचीन के जो यात्री थे उनको है ना, ये रास्ता देते हैं। जबकि ओशियंस के अंदर जो महासागर हैं, रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इन महासागरों के अंदर भी है ना, काफ़ी समय से इस चीज़ का है ना विरोध भी हुआ है, प्रतिरोध भी किया है। लेकिन ये जो रूट्स हैं, ये लगातार अपना योगदान दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों के परिवर्तन में। एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स, और है ना, जो प्राचीन समय से है ना, जो कमोडिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका है ना, ये लाभ इसको मिल रहा है इंडिया को। ये आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स, उपनिषदों का जो विचार है। एंड रामायण, रामायण का जो विचार है। स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। इंडियन न्यूमरल्स हैं। एंड द डेसिमल सिस्टम, और ये दशमलव प्रणाली जो है, ये रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के बहुत सारे भागों में है ना पहुँच सकी है इसी वजह से। द स्पाइसेज हैं, मसाले हैं, मसलिनस हैं, मशरूम हैं, एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी जो चीज़ें हैं जो व्यापारिक, ये एक हाथ से दूसरे हाथों के ऊपर भिन्न भिन्न देशों के अंदर ये भारत से है ना जा चुकी हैं, मतलब भारत बाहर से लोग ले जा चुके हैं, खरीद चुके हैं। ऑन द अदर एंड, और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, यूनानी संस्कृति का प्रभाव। एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, गुंबदों की है ना कलात्मक स्टाइल्स। एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, और पश्चिमी एशिया के जो मिनरल्स हैं, कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आवर कंट्री, तो ये हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में देखे जा सकते हैं। अब आता है इंडियाज नेबर्स, भारत के पड़ोसी कौन कौन से, उसके बारे में देख लीजिए। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर इसकी एक महत्व, इंडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और इंडिया हैज 29 स्टेट्स, भारत के अंदर 29 राज्य हैं, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ये चेंज हो गया, ये जो जो स्टेटस हैं ये चेंज हो गए हैं, अब 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं नई लोकेशन के हिसाब से। ये पुरानी पुस्तक है, इसलिए पुरानी पुस्तक में इसने पहले से प्रिंटेड हुई है, इसलिए इसमें 29, लेकिन अब लेटेस्ट पोजिशन में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, भारत की जो लैंड बाउंड्रीज हैं, जमीन की जो बाउंड्रीज हैं, वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, ये नॉर्थ के अंदर हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश ये पूर्व के अंदर हैं। आवर साउथर्न नेबर्स, और हमारी जो दक्षिणी पड़ोसी हैं, अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ द टू आइलैंड्स कंट्रीज, दो है ना महाद्वीपी देश हैं जिनके नाम है श्रीलंका और मालदीव्स। तो दक्षिण के अंदर है ना श्रीलंका और मालदीव हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, हालांकि श्रीलंका इंडिया से है ना बिल्कुल अलग है, और एक नैरो चैनल है जो सी, समुद्र के अंदर, फॉर्म बाई द पाक स्टेट, जिसको है ना पल के स्टेट के नाम से जाना जाता है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, या फिर है ना मन्नार की खाड़ी के अंदर। वाइल मालदीव, जो कि मालदीव जो है वो आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, तो जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है उसके दक्षिण में है ना ये मालदीव स्थित है। इंडिया हैज हैड ए स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल, भारत की एक मजबूत
भौगोलिक स्थिति है एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद आर नेबर्स, और इतिहासकार जो है ऐतिहासिक जो लिंक है वो अपने पड़ोसियों से इसका पहले से ही है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया, जब हम फिजिकल मैप ऑफ एशिया अपने एटलस में देखते हैं तो नोट करते हैं कि हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, कि कैसे भारत है ना और बाकी के एशिया से है ना कैसे अलग खड़ा दिखाई देता है। हो गया, और थैंक यू। क्वेश्चन आंसर में बात करते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें ये पांच ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो है ना किस रास्ते से नहीं गुजरता है। सेकंड क्वेश्चन है द एस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, इसमें ये कौन सा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये है ना कॉमन फ्रंटियर्स, इसके अंदर ये कॉमन फ्रंटियर्स में कौन कौन है। ऐसे इफ़ यू इंटेंड द विजिट कावाराती ड्यूरिंग योर समर वैकेशन, अगर आप है ना समर वैकेशन के अंदर कावाराती को देखने के लिए का इरादा रखते हो तो वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज, तो आपको है ना भारत की है ना कौन सी यूनियन टेरिटरीज मिलेगी, यू विल बी गोइंग टू कौन सी है उसमें जाना पड़ेगा, तो ये आपको इनके आंसर में आपको है ना नेक्स्ट वीडियो में ना पुट ऑफ कर दूंगा सारे के सारे। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री, मेरा मित्र जो है वो है ना किस देश से हेल्थ संबंधित रखता है, विच डज नॉट शेयर, लेकिन है ना अपना शेयर नहीं रखता लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, मतलब कोई मित्र है आपका लेकिन है ना इसकी बाउंड्रीज जो है इंडिया की बाउंड्री से है ना लिंक नहीं होती, तो आइडेंटिफाई द कंट्री, तो आपको वो कंट्री, तो जैसे इसके अंदर है ना ये भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये तीनों देश ऐसे हैं जो इंडिया से है ना कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये तजाकिस्तान जो है ये अलग है, तो ऐसे इसके आंसर्स। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, इनके ब्रीफली आंसर आपको देने होंगे, जैसे नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर है ना कौन कौन से ग्रुप हैं आइलैंडों के, उनके नाम, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, भारत की अपेक्षा है ना ऐसे कौन कौन से देश हैं जो है ना बड़े बड़े हैं, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के ना भारत के जो दक्षिण पूर्वी के अंदर कौन सा ग्रुप है आइलैंड का, उसके नाम, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स, और हमारे दक्षिण के अंदर है ना कौन से पड़ोसी देश हैं, उसके नाम। तीसरा क्वेश्चन जो है द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, तो हमारा जो सूर्य है वो 2 घंटे पहले ना उदय होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर और गुजरात की कंपेयर में, मतलब गुजरात से पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ना 2 घंटे पहले सूरज निकलता है बेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, लेकिन है ना हमें एक ही समय है ना ये शो करता है, हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे है ना गठित होता है। सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई, तो ये जो सेंट्रल लोकेशन है भारत की ये इंडियन ओशियन के अंदर हेड कैसे है, कैसे समझा जाता है या इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बताना है, तो ये इसके आंसर्स में है ना नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। थैंक यू।